नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। खबर सहरसा से है, जहां पुलिस को गैंग रेप के मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल बसनही थाना क्षेत्र के महुआ उत्तरबारी टोला में एक महादलित नाबालिग लड़की के दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसे पंचायत के माध्यम से पंचों ने पीड़ित नाबालिग के परिजनों को 70,000 रूपए देकर दबाने की कोशिश की गयी थी, जिसका वीडियो भी पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद सामाजिक संगठन के आगे आने के बाद महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक संजीव झा ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पंचायत करने वाले पंचों पर भी कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसमे पुलिस को 4 अभियुक्त में से एक मुख्य अभियुक्त सरफराज की गिरफ्तारी करने में कामयाबी मिली है। इस मामले में एसपी लिपि सिंह की माने तो बसनही थाना क्षेत्र के महुआ बाजार में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें 4 लड़कों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसके बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की गई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी सिलीगुड़ी से की गई है। वही दुष्कर्म मामले में पंचायत करने वाले लोगों की भी पहचान कर ली गई है, सभी पर कार्रवाई की जाए। देखिए, सबसे बड़ा पाप इन लोगों का है जो इन लोग गरीब हैं, और आप महसूस कर रहे हैं जो इज्जत के लिए लोग जीता है, लेकिन इज्जत गंवाने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ के जो हैं वह चुप और मौन हैं। इसलिए जो कुकर्म करने वाले हैं वह लोग दबंग हैं, प्रशासन का भी दबाव शायद इन लोगों पे पड़ा है, जिस कारण से ये लोग लड़की पीड़िता इन लोगों को बयान देने के उपरांत, और जो दोषी है उसको स्पीडी ट्रायल चला के, और उसको अविलंब कहिए फांसी का सजा भी कम है, और इससे इस तरह की सजा मिले जो आने वाले समय में यहाँ की सब बो बेटी सुरक्षित रहे, यही मैं अपने ही सरकार से मांग करता हूँ, और अपने सरकार के संज्ञान में भी, और यहाँ के माननीय विधायक जी रत्नेश सादा जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया है, और सभी देंगे, और समाज के जितने भी राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरा निवेदन है, अपील है, जो सब इन लोगों के साथ रहे और कड़ी से कड़ी सजा मिले। कल के वहाँ पंचायती में लग ले तो लड़की कल के हमारा साथ गलत काम करा दे। पंचायत में की फैसला भले? पंचायत में यार फैसला भले कि मतलब कि जना पंचायती बैठ ले, पंचायती बैठला के बाद वहाँ सब बात मिला के बराबर कर दल के, तो तकर बाद 4 लड़का रहे, चारों पर मतलब पैसा के डिमांड ठोकल गए, तो चारों मिला के 70,000 रुपया कहने आए। पंचायत फैसला कर पंचायत में क्या सब रहे? पंचायत में कह रहे वो सरपंच महुआ जो कि बसनही थाना क्षेत्र में आता है, वहां के उत्तरवाड़ी पंचायत में कोई दुष्कर्म का मामला हुआ था, और उसके लिए वहां पे एक पंचायत बैठी थी, और वहां पे उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, इमीडिएटली एसआईटी का गठन किया गया, एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, उसमें सिमरी बख्तियारपुर के पदाधिकारीगण और तकनीकी शाखा को लगाया गया। लड़की के बयान के आधार पे जो केस रजिस्टर हुआ, तो उसमें उसने बताया कि 4 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, 4 पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। मेन जो लड़का अभियुक्त था जिसने घटना को किया था, उसको तकनीकी शाखा और पुलिस की टीम ने सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। शेष 3 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र होगी, साथ में क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है कि इतने संगीन अपराध को लोग पंचायत के माध्यम से रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, तो उन व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है जो इसमें पंचायत में शामिल थे, और उनके खिलाफ भी इन्हीं सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर करते हुए इसी केस में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।